Hello guys, we are back with another vlog. सबसे पहले तो हम आपको थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने हमारी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सपोर्ट आएगा, बट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आया. हम उस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हैं और आपका शुक्रिया उस चीज़ के लिए. एक ट्राई किया था हमने, एक्सपेक्ट किया था कि थोड़े बहुत 50 to 100 व्यूज़ आएंगे, पर अराउंड 250 के करीब व्यूज़ आ गए हैं. तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं फतेह बुर्ज, जो कि लांड्रा रोड पे एक विलेज है चप्परचीरी, वहाँ पे सिचुएटेड है. उसकी हाइट इस टाइम पे 328 फीट है. इंडिया में टॉलेस्ट मीनार है वो. और हमारे साथ जा रहे हैं हमारे फ्रेंड पंकज. नमस्कार यूट्यूब, मीट पंकज. प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच माय फ्रेंड्स वीडियो. नमस्कार. तो अब हम वही रूट अपना पुराना, यहाँ से खरड़, फिर खरड़ से हम लांड्रा रोड वाली साइड एक ऑटो करेंगे और वहाँ से हम सीधे चप्परचिड़ी विलेज तक पहुँच जाएंगे. और मिलते हैं अब आपको वहीं पर. गाइज, अब हम खरड़ पहुंच चुके हैं. तो अब यहाँ से हम आगे तक पैदल जाएंगे, वहाँ से हमें फिर से ऑटो पकड़ना है लांड्रा रोड. सो गाइज, मिलते हैं अभी लोकेशन पे. सो गाइज, अब हम चप्परचिरी विलेज पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं. तो अब हमको फतेह बुर्ज जाने के लिए कुछ वॉकिंग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, अराउंड 1.5 किलोमीटर्स के करीब है. और वहीं मिलते हैं अब. गाइज, अब हम फतेह बुर्ज पहुँच चुके हैं, हम यहाँ अंदर आ चुके हैं. और जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो पीछे लगी ये पेंटिंग्स हैं, इनमें होगी. तो अभी हम आपको ये सब दिखाएंगे, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको मन करे आप ये पढ़ सकते हैं जानकारी. बिल्कुल. फतेह बुर्ज पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं. ये बिल्डिंग जो है, ये मीनार, इसकी टोटल हाइट है 328 फीट. ये तीन मंजिलों में डिवाइडेड है. इसकी जो पहली मंजिल है 67 फीट है, दूसरी 112 फीट और तीसरी 220 फीट है. और इसके टॉप पे एक डॉम और खंडा है,
ये 2011 में बन के तैयार हुई थी। 11 मंथ का रिकॉर्ड टाइम था इसको बनाने में जो लगा था, और इसके बारे में जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ के गाइड से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये जो तीन मंजिलें हैं ये तीन लड़ाइयों को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि चप्परचिड़ी में ही लड़ी गई थी। पहली लड़ाई थी वो थी सदूरा की, दूसरी थी समाना की, और तीसरी थी सरेंद की लड़ाई। तो तीनों लड़ाइयों को डिफाइन करते हुए इसकी तीन स्टोरीज बनी है। मेरा नाम है संदीप कौर, मैं इतनी चप्परचिड़ी एज अ बीएससी है, और मैं तुम्हें इस जगह बारे दसूंगी। इस जगह का नाम है चप्परचिड़ी। ये जगह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद च बनाई गई है। इस स्थान पर उन्होंने 12 मई 1710 में तीसरी जीत हासिल की थी सरहिंद के नवाब वजीर खान को, जिन्होंने छोटे साहबजादों को नीहां में चिणवाया सीगा। उन्होंने नाल इस स्थान पर 40,000 के करीब मुगल फौजा सगिया, तो बंदा सिंह बहादुर जी के नाल 10,000 के करीब हिंदू सिख सके, और उन्होंने 5 साथी सी 5 जरनैल जिन्हों के इस स्थान पर बाहर टिले बने हुए आ। जदों लड़ाई हुई सी उन्होंने टाइमों से इस जगह पर पूरा जंगल हुंदा सीगा, टिब्बे टिले बने हुए थे, छप्पड़ चिड़िया सगिया। छप्पड़ जो होंगे सी पुराने टाइम पौन चिड़िया दरख्तों के झुंड में कहा गया है, ग्रुप ऑफ ट्रीज न। जो वजीर खान से सरहिंद का नवाब, उन्होंने जंगल तो बाहर खाली एरिया चुनिया सीगा, इसलिए इस जगह में भी उस तरीके मनाया गया। तुसी बाहर देखोगे जो उस साइड वाला एरिया पूरा खाली है, जस्ट बाउंड्री वॉल है, जिमें कि उधर मुगल फौजा के जिन्हें बंदे इस साइड आते थे जंगल च सिखा वार करने, तो उन्हें बंद मौत के घाट उतार रहे थे। इदा उन्होंने हौली हौली करके 12 मई 1710 में इस थान पर सरहिंद के नवाब वजीर खान को मार के तीजी जीत हासिल की सी। यह जगह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की उस चंगी याद में बनाई गई है। इन्हों का जो जन्म होया 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी होया, जम्मू के राजौरी जिले च एक राजपूत परिवार होया। इन्ह का नाम जहाँ के माता पिता ने रख्या सीगा लक्ष्मण देव सीगा। इन्हों बचपन तो ही शिकार करन का बहुत शौक सीगा, तो एक दिन जंगलों में शिकार कर गए, इन्होंने हिरनी का शिकार किया। जब हिरनी का पेट चीरिया तो दो बच्चे सीगे जो बाबा जी दी अखा सामने तड़प तड़प के मर गए। तो उस तो बाद बहुत उदास रहन लग गए कि मेरे हथों पाप हो गया। इन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और जंगलों के चले गए। फिर नासिक विखे इन्हों की मुलाकात दो साधुओं नाल हुंदी है, जिन्हों के नाम सीगे जानकी दास ते औकड़नाथ, जिन्हों मिल के इन्होंने काफ़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतिया और ये विरागी हो गए थे। इन्हों का नाम लक्ष्मण देव तो प्रसिद्ध हो गया सीगा, माधोदास विरागी इन्हों का सैकेंड नेम सीगा। फिर गोदावरी नदी के कंडे ते इन्होंने अपने एक डेरा खोलिया होया सीगा, जिस दे विच रह रहे सीगे। तो 1708 ईस्वी में इन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी मिलते हैं, जो अपने सिखा के 10वें गुरु सके। वो इन्हों बोलते हैं कि तुम इतने सिर्फ एक डेरा खोल के बैठे हो, पंजाब च इन्हें हालात खराब चल रहे, सब के उत्ते इन्हें जुल्म ढाई जा रहा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर ने अमृत छका के इन्हों का नाम रख दिया गुरबख्श सिंह, कि गुरु ने तुम बख्श दिता। तो अगर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मैं थोड़ा बंदा भाव थोड़ा ही चेला हाँ, उन्होंने तो इंस्पायर हो जाते हैं, तो इन्हों का नाम बंदा सिंह बहादुर रखते हुए इन्हों के नाल इन्हों के 5 साथी 5 जरनैल तैयार करते हैं, जिन्हों के नाम से भाई बाज सिंह, भाई कहन सिंह, भाई दया सिंह, भाई रण सिंह, भाई विनोद सिंह, और इन्हों के नाल भी सिखा की फौज तैयार करते हैं। टोटल 25 सिख होंगे। इन्हों ने एक निशान साहिब, खंडा नगाड़ा, हुक्मनामे और 5 तीर दे के उत्थे तोड़ते हैं। अपनी पहली जीत आके हासिल करते हैं समाना च, यह जगह पटियाले कोल है। दूजी जीत हासिल करते हैं सडौरा च, यह जगह हरियाणे में पैंती है यमुनानगर के। और तीसरी जीत उन्होंने इस जगह पर हासिल की सी। जो इन्हों का अंतिम समा सीगा, उन्होंने गुरदास मंगल जाके घेरा पै गया सीगा। घेरा लगभग 8 महीने तक रहा। खाण पीन की कमी के कारण सब के शरीर कमजोर हो गए थे। मुगलों का राज चलता हुंदा सी, दिल्ली का नवाब सीगा फारूक शेर, उन्होंने उतो 700 सिखा कैद कर लिया सीगा। उन्होंने बंदी बना के महरोली लिजाया गया। यह जगह दिल्ली दे विच बनी हुई है कतुब मीनार के कोल, और उन्होंने कंपेल किया गया कि तुम हूँ भी अपना धर्म छड़ के साथ इस धर्म को अपना लो। पर जब सब लोग अपनी गल से अड़े रहे, उन्होंने की किया, एक दिन में 100 बंदियां शहीदी देनी शुरू कर दी। जब एंड विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की वारी आई, इन्हों का 4 साल का बेटा से, उन्होंने नाम सीगा अजय सिंह। पहला इन्हों के 4 साल के बच्चे को शहीदी दी गई, और इन्हों के 4 साल के बच्चे का तड़प तड़ा दिल कट के जबरदस्ती बाबा जी के मुँह में पाया गया और इन्हों कंपेल किया गया। और बाबा जी ने कहा कि जितने तुम इन्ने लोगों को शहीद कर दिता, साहबजादे ने भी शहीद कर दिता, हूँ तुम मेरा 4 साल का बच्चा शहीद कर दिता, मैं भी शहीदी दे दोगे तो कोई वड्डी गल नहीं। फिर 9 जून 1716 बंदा सिंह बहादुर जी और उन्होंने 5 जरनैल जिन्होंने इस जगह पर टिले बने हुए हैं, इन्हों बहुत तसीहे दे के तड़पा के शहीदी दी गई सी। जो मुगल से की करते थे, इन्हों के शरीर तो मांस में नोचा जाता से, कुंडिया खींचा जाता से। फिर इन्हों 9 जून 1716 बहुत तसीहे दे के शहीदी दी गई सी। इन्हों का अंतिम समा से जब उन्होंने उस चंगी याद में मिली।
सो गाइज वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव भी काफ़ी थी तो... और यहाँ पर आना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% सजेस्टेड जगह है, कभी भी चंडीगढ़ मोहाली आए तो एक बार विजिट करें, यहाँ पर आपको अच्छा ही लगेगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये व्लॉग इस इन्फॉर्मेशन के कारण थोड़ा लंबा हो गया है, तो क्योंकि ये जगह ऐसी है कि छोटे टाइम पे कवर हो ही नहीं सकती थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी जगह, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप कभी भी मोहाली आए तो ज़रूर विजिट करें, अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आप यहाँ पर आएँ और देख के जाएँ कि हाँ यहाँ पर क्या है, इसकी ब्यूटी को जरूर देखें। थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। थैंक यू सो मच। Who's you are?